Hello everyone. In today's video, I'm going to explain the central idea of the story. We are not afraid to die if we can all be together. So before starting this video, I have a small request. Please watch this video till the end. So without a further ado, let's get started. Central idea of the story. This is the story from the Hornbill book of class 11. The story, "We are not afraid to die if we can all be together," is about families, bravery and unity when their boat is hit by a huge wave, causing a lot of damage. So ye story, "We are not afraid to die if we can all be together," ek family ke bravery ke bare mein aur unity ke bare mein batate hame ki ye log ek boat ko lekar samundar pe chale jate hai ek journey pe. ठीक है, तो इस समय एक उस बोट को एक बड़ा सा टक्कर लग जाता है और उस बोट में डैमेज भी होता है. दे फेस मैनी डिफिकल्टीज बट दे नेवर गिव अप एंड वर्क टुगेदर टू सर्वाइव. सो उस जर्नी के दौरान उस फैमिली को बहुत कठिन कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है एंड फिर भी ये लोग गिव अप नहीं करते हैं. वो सभी लोग वहाँ पे साथ मिल के उस चुनौती का सामना करते हैं. देयर लव एंड डिटर्मिनेशन हेल्प देम find hope and reach safety on a small island. उन लोगों का फैमिली में जो लव का जो एक बॉन्डिंग था और साथ ही साथ एक संकल्प जो था, इस चीज़ ने उन लोगों को एक आशा दिलवाया और इसी आशा के बावजूद ये लोग एक आइलैंड पे सेफली पहुँच जाते हैं और इसी तरीके से वो लोग उस परिस्थिति से बाहर निकलने में सक्षम होता है. ये कैसे हुआ? एक फैमिली में यूनियन होने के कारण, यूनिटी होने के कारण, एक ब्रेवरी के कारण एंड साथ ही साथ एक डिटर्मिनेशन और लॉब के कारण फाइनली वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.